हम आपको सुनने बैठे हैं, फिर हम फैसला कर लेंगे। आई कैन नेवर से दैट अबाउट यू। नो नो, कह दें, आप कर लें आर्ग्यू, फिर हम सुन, आप ये सवाल पूछेंगे। आई थिंक दैट्स एन अनफेयर स्टेटमेंट। नहीं, आप लिए नहीं कह रहे हैं, इट्स एन अनफेयर स्टेटमेंट। चले आगे, इट्स ऑन अ लाइटर नोट, चले आगे बढ़ते हैं। फुल कोर्ट इज सिटिंग हियर, एवरी जज इज एंटाइटल्ड टू आस्क व्हाटएवर क्वेश्चन ही और शी वांट्स एट व्हाटएवर स्टेज। एब्सोल्युटली करेक्ट, बट आई जस्ट वांट टू हियर योर कंटेंशन। इन नथिंग शुड बी इंप्लाइड दैट माइंड्स हैव बीन मेड अप, दैट्स नॉट ए फेयर स्टेटमेंट एंड आई डू नॉट एक्सेप्ट इट। चले फैसल साहब, आप चलें, प्लीज आर्ग्यू कीजिए। इन डिफेंस ऑफ द चीफ जस्टिस, आई थिंक इट वाज ऑन द लाइटर नोट सर। आई विल रिपीट व्हाट आई सेड एंड आई विल से इट। आप भी लाइटर नोट पे ये कह दें, फैसल साहब आप आर्ग्यू करेंगे केस या नहीं करेंगे? जी, पेज 14 बता दें कुछ नहीं सर, सॉरी पेज 14 नहीं, अगर मैं आपको पेज 21 पे ले जाऊं। So coming back to the chart of, and the relevance of this is that the Election Commission has in the very least recognized that some independents have joined this party. Jee. And these are the number of seats of that of party. That party. Yes. So you say they're recognized as a political party. Yes. And the requirement of the independents joining this political party is recognized. Yes. Through this document. Yes, yes, that's the point. And as early as 22nd February 2024, जो मैं बाद के डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने फिर उसको गायब कर दिया चार्ट से। आर्टिकल 51 में ये बताया गया कि सिर्फ ये जो प्रिविलेज है, ये हक सिर्फ आजाद उम्मीदवार का है कि वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल। यस यस, ये माइंड में रखें कि ये जो लोग शामिल हुए, दे वर नॉट इंडिपेंडेंट। यस, दिस प्रिविलेज वाज अवेलेबल टू देम और नॉट, ये आपने बताना है। जी, क्या वो शामिल हो सकते थे? जी, अगर हो जी, सकते थे तो उसकी बुनियाद पे रिजर्व सीट इनको मिल सकती थी या सिर्फ आजाद को शामिल करने के बाद मिल सकती? वो आपका जरा सा फंडामेंटल क्वेश्चन, आई विल कम टू दैट। लेट मी जस्ट पेज 50-21 होगा तो आगे चलेंगे। जी, आई विल आंसर ऑल 10 क्वेश्चन सर। पेज 21, इसमें भी अगर आप देखिएगा, दिस इज फॉर नॉन मुस्लिम्स 23rd February 2024 है। और इसका साथ भी चार्ट अगर आप देखिएगा और सीरियल नंबर 3 पे जरा देखिएगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट्स ज्वाइनिंग द सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 81 एंड नंबर ऑफ सीट्स दे हैव आफ्टर ज्वाइनिंग 81। तो आगे लिखा है मैटर इज पेंडिंग बिफोर कमीशन। अब मैं आता हूं, अब अगर आप मेन फाइल पे आ जाएं काइंडली, एंड आई कम टू पेज 90, ये ट्रिपल सिविल अपील 333 ऑफ 2024। मिस्टर फैसल, पेज 90 सर, पेज 90 सर, मेन फाइल सिविल अपील 333 ऑफ 2020। ये जरा सा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं पढ़ दूं काइंडली। इट्स एड्रेस टू द इलेक्शन कमीशन, इट इज डेटेड February 21st, 2024 एंड योर लॉर्डशिप्स वुड हैव नोटेड ऑल दोज नोटिफिकेशंस वर 2022 and 2023। शेयर ऑफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल्स इन द सीट्स रिजर्व्ड इन एनए। डियर सर, After the election, general elections held on February 8, 2024, independent candidates whose nominations are returned to the National Assembly were issued by the ECP on different dates join Sunni Ittehad Council as a political party. According to their consent forms, affidavits are filed by SEC and reserved in this commission while the following. Received in this commission. Jee. That is a total of 86 MNAs in the National Assembly. On the strength of SIC, you are therefore requested to kindly issue necessary directions to allocate to Sunni Ittehad Council its due share in the seats reserved in the National Assembly for women and non-Muslims on the basis of the aforesaid strength in the National Assembly.
We look forward to hearing from you at your convenience so that we may submit our priority list to the commission for notification of our MNAs on these reserved seats. Now, this is an important statement because can you refer to this consent form affidavit? Just show us a specimen that is referred to in paragraph 1. Sir, that is not filed. We need to see it? Yes. What do you consent to? What do you file an affidavit for? Yes, that is not filed. Main instructions le lunga, lekin issue yehi hai. I think it is in the sealed office, but I'll seek instructions. No, sorry. This is Sunni Ittehad Council writing it. Ji, ji. Ab har cheez wahin sealed office mein dal rahe hain. Sir, lekin ye sare documents PTI ke office mein. Ye to aapka khat hai, Sunni Ittehad Council. File kar diye the, lekin wo jo copies hai. Ek specimen to dikha dena. Sir, wo specimen. Kya ye koi specimen diya hua hai, kanoon mein diya gaya hua hai, ya har aadmi apni marzi ka file karta hai? No, Your Honor. To kanoon mein koi format hai, form diya gaya hai, ki specimen. Format. Wo kaun sa kanoon hai, wo dikhaye. मतलब बात ये आप इस डॉक्यूमेंट में तो इस बात को खत्म कर लेना अच्छा तो फैक्चुअली हमें मैंने नहीं देखा मैं ये आई विल कम बैक टू द मैं अगर ये फैक्ट्स कंप्लीट मैं आई विल कम बैक टू दिस बट देयर इज नो डिस्प्यूट रिगार्डिंग दिस हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं समझने के लिए मैं एक मैं डिस्प्यूट कौन कर रहा है आई विल कम बैक टू बट लेट मी जस्ट तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 21 तारीख तक 21 फरवरी तक आपकी तरफ से रिजर्व सी आपसे मुराद सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से रिजर्व कैंडिडेट के लिए कोई नहीं लिस्ट नहीं नहीं नॉमिनेशन पेपर नहीं और ये भी प्रॉब्लम बताने के क्या बाद में हो सकता है जी जी दैट इज द प्रोसीजरल कंट्रोवर्सी बिफोर योर लॉर्डशिप एक चीज और जो तीन दिन जो शुरू होते हैं वो कौन सी तारीख से शुरू होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन बताइए एक्चुअल डेट कौन सी थी वो तीन दिन वाली 17 और 18 को डिफरेंट डेट्स को डिफरेंट नॉमिने वो हुए हैं नोटिफिकेशंस ये उनको छोड़ दीजिए ना वो 3 डेज स्टार्ट फ्रॉम 17th फरवरी 17th कुछ के लिए 18th सो 18 19 20 21 जी. और 20 करेक्ट जी द 3 डेज इज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक 17th or 18th सर ये इशू भी रेज हुआ था बिफोर द इलेक्शन कमीशन जस्ट आस्किंग द फैक्ट्स इलेक्शन कमीशन हैज नॉट डिसाइडेड अगेंस्ट अस ऑन दिस पॉइंट बट आई विल कम टू दैट पेज 91 देख लीजिए प्रोविंशियल के लिए जी 91, 92, 93 सर ऑल थ्री आर सिमिलर लेटर्स सीकिंग एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट्स टू द थ्री असेंबलीज एंड सीकिंग परमिशन टू फाइल द लिस्ट डिड दे रिस्पॉन्ड टू दिस लेटर This is the very letter which becomes the basis of the impugned order. But since they have emphasized on a 3-day requirement, did they respond to this letter? Did they respond to this letter? They did not. I don't think they responded to this letter, but they did respond in the form of their notification, where they included us. Included the independent. The ones you just referred yes, to. Yes. So that is proof enough that they accepted us joining the Sunni Ittehad Council. Professor, this is a factual information. Ji. There are two steps under 51. One is to joining the political party and then asking for reserve seats. Ji. I'm a bit confused about the dates. The first date when they joined the political party was what date? Sir, ये that is आपने जो हमें notification दिखाया dates ऊपर नहीं notifications तो बाद में issue हुआ है अगर आप देखिएगा letter में वो step कब किया आपने? जी सर देखिए पहला है list of 50 MNAs while diary number so and so dated उन ये मैं page 90 पे पढ़ रहा हूँ सर तीन दिन में ज्वाइन किया है ना तो पूछ रहे ना एंड रिसीव्ड इन द कमीशन वो दिखाएंगे तो हमें पता चलेगा ना मिस्टर फैसल दिस इज आस्किंग फॉर रिजर्व सीट्स आई एम सेइंग पहले आपने एक स्टेप में करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग यू फर्स्ट रिप्लाई दैट आई वांट टू जॉइन द पॉलिटिकल पार्टी जी एंड देन यू मेक अ सेकंड रिक्वेस्ट